हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैं देहरादून से हूँ। मैं पिछले कई सालों से मशरूम कल्टीवेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रोड्यूस करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, थ्रू वेंडर सेलिंग करता हूँ फ्रेश मशरूम्स की। इसके अलावा उनको प्रोसेस करके उनके बाय प्रोडक्ट्स बनाकर उनको भी मार्केट करते हैं, जो आज की डेट में अमेजोन पे, लोकल रिटेल में या कई शहरों के रिटेल में बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करे जा रहे हैं कस्टमर्स के द्वारा। दोस्तों, मशरूम कल्टीवेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप अपने घर के 10 बाय 10 के कमरे से और केवल 15 से 20 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। पर यह किस तरह होगा, कौन से मशरूम्स ग्रो करें, किस प्रकार से उसका बेस तैयार करें, किस प्रकार से अपने कमरे की तैयारी करें जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ना हो और मशरूम्स की जो कल्टीवेशन हो वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो। मैंने जब अपने यूनिट की शुरुआत करी थी तो एक बहुत ही छोटे लेवल पे करी थी और मेरे फार्म पे कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम मशरूम ग्रो करते हैं। सारे स्ट्रक्चर्स लो कॉस्ट बैम्बू और ब्लेड स्ट्रॉ से बने हुए हैं। दोस्तों, अब हमारे फार्म की कैपेसिटी 40 टन से ऊपर की हो चुकी है और हम इसे धीरे धीरे और आगे बढ़ा रहे हैं और सारे के सारे प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो लो कॉस्ट हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। मेरा बैकग्राउंड नॉन फार्मिंग है, मैंने इससे पहले कभी कोई रूरल प्रोजेक्ट या फार्मिंग नहीं करी थी। मैंने 18 साल कॉर्पोरेट में केवल मेट्रोज में काम किया है। आई वर्क इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेरोलैक पेंट्स, टाटा स्काई, मोटरोला एंड फाइनली एयरटेल, और उसके बाद मैंने मशरूम कल्टीवेशन को चुना और इसमें ही आगे बढ़ता चला गया। रॉकेट स्केल्स एक 5 मॉड्यूल मशरूम कल्टीवेशन प्रोग्राम लेकर आया है जिसके अंतर्गत हम आपको स्टेप वाइज पूरा समझाएंगे कि किस तरह से एक बिजनेस यूनिट की तरह मशरूम कल्टीवेशन को आप स्टैब्लिश कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं और उसको एक अपना अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। यही सब समझाने के लिए और आपको इसमें ट्रेन करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस कोर्स में ज़रूर सम्मिलित हों, ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपने आप को एज अ मशरूम कल्टिवेटर स्टैब्लिश करें। आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करें और समझें कि मशरूम कल्टीवेशन की बारीकियां क्या होती हैं और आप लो कॉस्ट में इसको शुरू करके धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को एज अ मशरूम फार्मर प्लस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर स्टैब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।